Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss about the Russian peasant exponentiation. ये mathematics section की problem है hacker rank पे और ये easy level की problem यहाँ पे mention है, but मैं इसको थोड़ा सा medium level की problem assess करता हूँ. आइए इस problem को पढ़ते हैं. We all know how to calculate a raised to the power b using b operations by multiplying 1 by a total ऑफ बी टाइम्स. इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर हमें ए रेज टू द पावर बी कैलकुलेट करना है, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ए को ए से बी टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या आप ये कह सकते हैं कि वन को ए से बी टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ये शायद ज्यादा ज्यादा सही स्टेटमेंट होगा. द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट बी कैन बी लार्ज which makes exponentiation very slow. Obviously, if we say that कि हमारे पास अगर b की वैल्यू बहुत लार्ज है, लेट से b की वैल्यू 10 रेस्ट टू द पावर 10 है, तो ये बहुत ही लार्ज वैल्यू हो गई, तो उस केस पे a रेस्ट टू द पावर b कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और ये ऑपरेशन काफी स्लो होगा. यू आर गिवन क्यू क्वेरीज, सॉरी, देर इज अ वेल नोन मेथड कॉल्ड रशियन पीजेंट मल्टीप्लीकेशन that you can read about here. Now let's use this to raise some complex numbers to powers. You are given q queries where each query consists of four integers a, b, k and m. For each query, calculate a plus bi raised to the power k, which is equals to c plus di, where I is an imaginary unit, and then print the respective values of c mod n and d mod m as two space separated integers on the new line. Now, इस प्रॉब्लम को ये कहा जा रहा है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर k जनरेट करना है. कंस्ट्रेंट को देखेंगे तो अगर आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा एक्सपोनेंशिएशन होने जा रहा है, दिस k वैल्यू इज अप टू 10 रेस टू द पावर 18. 10 रेस टू द पावर 18 इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी. So it means, अगर आपको ऐसा गिवन हो a plus bi raised to the power k, तो k की जो वैल्यू है वो 10 raised to the power 18 तक हो सकती है. यही हमारे लिए कंस्ट्रेंट है और यही बहुत बड़ी वैल्यू है, और जब आप इसका एक्सपोनेंशिएशन करेंगे तो बहुत बड़े नंबर्स आएंगे. और यहाँ पे कहा गया है कि जब ये बड़े नंबर्स आएंगे तो आप एक काम कीजिएगा, उसका मॉडुलस विथ 10 raised to the power 9 ले लीजिएगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर हमें किसी बड़े एक्सपोनेंट को डील करना है तो ये आपको ऑलरेडी आइडिया है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स से कि हम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन कर सकते हैं. तो एक बार बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन को रिकॉल करते हैं. लेट्स से आपको ए रेज टू द पावर 8 फाइंड करना है, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. पहले ए पावर 4 फाइंड कर लीजिए और देन इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एंड देन आप ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए. ए पावर 4 को फाइंड करने के लिए इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देन आप ए पावर 1 फाइंड कर लीजिए और इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. सो हमने ए पावर 1 फाइंड कर लिया एंड देन उसको ए पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ए स्क्वायर मिल गया. ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए पावर 4 मिल जाएगा. ए पावर 4 को ए पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए पावर 8 मिल जाएगा. इस केस में जो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हैं वो 3 है अगर बेस केस ए रेज टू द पावर 1 का है. अगर बेस केस 0 का है तो इस केस में 4 मल्टीप्लीकेशन लगेंगे. लेकिन अगर आपको ए पावर 16 कैलकुलेट करना है तो आप पहले ए पावर 8 कैलकुलेट कर लीजिए, उसको ए पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे पावर डबल हो रहे हैं, एक मल्टीप्लीकेशन हमारे बढ़ जाएंगे. तो आपको यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लॉग एन मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं अगर आप ए रेज टू द पावर एन कंप्यूट कर रहे हैं तो. एंड लॉग एन इज मच मच स्मॉलर दैन एन, क्योंकि प्रीवियस हमारा केस था जिसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एन लग रहे थे. तो ये हमारा इवन नंबर का माने इवन पावर सम जनरेट कर रहे हैं. मान लीजिए कि हमें ए पावर 9 फाइंड करना है तो उस केस में हमें सबसे पहले 9/2 मतलब कि ए पावर 4 फाइंड कर लीजिए, उसको ए पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. चूंकि ए पावर 4 और ए पावर 4 के मल्टीप्लीकेशन से हमें ए पावर 8 मिलेगा, तो इसमें ए के और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जिससे कि ए पावर 9 मिल जाए. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर पावर और इवन है तो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पावर ए कॉमा एन फाइंड करना है, तो आप इसको सबसे पहले पावर ए कॉमा एन बाई 2 फाइंड कर लीजिए,
लेट से इसकी वैल्यू पी है, और अगर एन इवन है तो पी इंटू पी रिटर्न कर दीजिएगा, और अदरवाइज रिटर्न कर दीजिएगा पी इंटू ए, क्योंकि एक और मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है इन द केस ऑफ ऑड पावर्स। नाउ इसी प्रोसेस को हम यूज करेंगे या इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जिससे कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है या जो एक्सपोनेंशिएशन है वो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशंस की बात की गई है या कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर्स की बात की गई है, तो आइए हम इसमें कॉम्प्लेक्स का भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें ए पावर बी आई रेस्ट टू द पावर के फाइंड करना है, तो ए पावर बी रेस्ट टू द पावर के फाइंड करना है, तो हम पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल ही बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन जैसा ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें कुछ बेस कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर के की वैल्यू जीरो होती है सो ए प्लस बी आई रेस्ट टू द पावर जीरो की वैल्यू आएगी वन। आपको पता है कि किसी भी नंबर का जब आप पावर जीरो करेंगे तो आंसर वन आता है। ये जो वन पार्ट है इसको हम रियल पार्ट में ही एकोमोडेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम अज्यूम करेंगे कि वो जीरो है। इसी तरह से अगर के की वैल्यू वन आती है तो हम सेम यही वाला जो नंबर जो हमें गिवन है या जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है हम सिंपली इसी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि पावर वन करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जो हमारे पास नंबर गिवन है या जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा के ग्रेटर देन या इक्वल टू टू होगा तो हम इसको डिवाइड एंड कंकर वाले रूल से पावर को फाइंड करेंगे, मतलब कि एन बाई टू वाले मेथड से हम इसको पावर को फाइंड करेंगे। नो एक चीज और हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ साथ ही, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करना है तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और वो जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्ट्रक्चर में हम दो पार्ट मान लेंगे, एक रियल पार्ट मान लेंगे और एक इमेजिनरी पार्ट मान लेंगे। चूंकि यहाँ पे ये चीज़ें इंटीजर गिवन है तो हम भी इसको इंटीजर ही मानेंगे, और अब हमें जो रिटर्न करना है आंसर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही रिटर्न करेंगे। इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें इन नंबर्स को डील करने में। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, और सोल्यूशन में सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, और दिस स्ट्रक्चर नेम है इसका कॉम्प्लेक्स, और इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन में क्योंकि वैल्यूज बहुत लार्ज हो रही हैं इसलिए हमने मान लिया है कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो लॉन्ग लॉन्ग वैल्यूज हैं। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, जैसे पहले पावर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो पावर वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं जिसमें कि तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है सी के और एक एम है। सी का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, के का मतलब है जो पावर जनरेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस एम का मीनिंग है कि मॉडुलस किस नंबर से हमें करना है इसका। तो चूंकि बड़ी वैल्यू हो सकती है पावर कैलकुलेट करते करते, इसलिए हमें मॉडुलस भी करना होगा। तो इसको हम अगर समझें कि के की वैल्यू जीरो है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रियल पार्ट को वन कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे आंसर का, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर ले लिया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है, एक है आंसर और एक लिया है इंटरमीडिएट आंसर। तो अगर के की वैल्यू वन है तो हम सेम यही जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है इनपुट में इसी को हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारा जो इंटरमीडिएट पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि के की वैल्यू इक्वल टू टू या ग्रेटर देन टू है, तो उस केस में हम सी पावर के बाई टू जनरेट कर ले रहे हैं, ये इंटरमीडिएट आंसर में है। इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास जो सी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर एन हमें जनरेट करना था, तो हमने क्या किया कि सी रेस्ट टू द पावर एन बाई टू कैलकुलेट कर लिया, और इसको हमने इंटरमीडिएट आंसर नाम के एक कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टोर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अपने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमने एक मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन बनाया है, उसको हमने कॉल कर लिया कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई इंटरमीडिएट आंसर मल्टीप्लाइड विद इंटरमीडिएट आंसर, और एम की वैल्यू हमारी मॉड की वैल्यू है, यही हमारा आंसर होगा। मान लीजिए कि अगर एन इवन है तो यही आंसर होगा, लेकिन अगर एन ऑड है तो इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर सी को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है आंसर इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई आंसर विद सी। फाइन, फाइनली हमने आंसर को रिटर्न कर दिया है।
ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब आइए हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही सिंपल है। वंस अगेन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई इंटू बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आई इंटू डी। तो इसमें जो रियल पार्ट है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी, पहले हमने ए को पिक किया एंड देन इस रियल पार्ट से बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इंटू सी इंटू आई ए इंटू डी, फिर प्लस आई इंटू बी सी, आई मैंने इस वाले पार्ट से हम क्रॉस ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसके हिसाब से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इंटू आई स्क्वायर बी इंटू डी। सो दिस इज ए इंटू सी और ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आएगी। सो इसको बी डी कर लेते हैं, ये हमारा रियल पार्ट आ गया एंड देन आई हम कॉमन लेके ए डी प्लस बी सी, ये जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन से ये रियल पार्ट आ गया है और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया है। ये काम हमने किया है, जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ए है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए डॉट रियल ए डॉट इमेजिनरी ये हमने स्मॉल ए स्मॉल बी में स्टोर कर लिया, फिर बी डॉट रियल बी डॉट इमेजिनरी इसको हमने सी और डी में स्टोर कर लिया। तो रियल पार्ट हमारा क्या हुआ, ए इंटू सी और माइनस बी इंटू डी। चूंकि मल्टीप्लीकेशन से क्वान्टिटी बड़ी हो सकती है, हम ऑलरेडी लॉन्ग लॉन्ग के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए हमने कंप्यूटेशन के दौरान ही मॉडुलस एम ले लिया है। और उसके बाद फिर ये वाला पार्ट हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। रियल पार्ट हमने जनरेट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट हमने देखे कैसे जनरेट होगा, दैट इज विल बी इक्वल्स टू ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। सो ए इंटू डी मॉड एम प्लस बी इंटू सी मॉड एम, और उसके बाद फिर जो फाइनल हमारा आंसर आएगा उसका भी हम मॉड एम ले लेंगे, क्योंकि ये भी बड़ी क्वान्टिटी हो सकती है। तो ड्यूरिंग दी मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड ऑल दैट यू विल हैव टू परफॉर्म दी मॉडुलस विद एम। अब आइए हम ये जो दो लाइन है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि जो ए इंटू सी है उसकी वैल्यू लेट से 10 है और जो बी इंटू डी है लेट से उसकी वैल्यू 12 है। सो अगर हम इसमें करेंगे 10 माइनस 12 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 एंड जब इसका आप मॉड लेंगे, लेट से हम मॉड जो ले रहे हैं वो 10 से मॉड ले रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2। सो ये जो नेगेटिव मॉडुलस है, नेगेटिव मॉडुलस वैल्यू एक्सेप्टेबल अभी फिलहाल कंप्यूटेशन के दौरान नहीं होगी, क्योंकि आप रिपीटेडली कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इसमें मॉड की वैल्यू ऐड करनी होगी जिससे कि यह आंसर आ जाएगा 8। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि जो रियल का पार्ट अगर लेस देन 0 हो गया है तो उस रियल के पार्ट में हम m को ऐड कर दे रहे हैं। सो आंसर डॉट रियल इज इक्वल्स टू आंसर डॉट रियल प्लस m या आंसर डॉट रियल प्लस इज इक्वल्स टू m, तो इससे आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को लगभग सॉल्व कर लिया है, अब एक बार फ्लो में देख लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है जिसमें ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड ड्यूरिंग द एडिशन अगर क्वान्टिटी बड़ी हो रही है तो उसको हम मॉडुलस विद m ले ले रहे हैं। अगर रियल पार्ट, चूंकि रियल पार्ट में माइनस साइन है इसलिए नेगेटिव आंसर केवल इसी से आ सकता है, तो रियल पार्ट अगर 0 हो गया है तो उस केस में हम उसमें m को ऐड कर लेते हैं जिससे कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट हमारा है उसमें हमने ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन मॉड लगाया देन ऐड किया तो बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, उसके बाद फिर से हमने मॉड लगा दिया, फाइनली हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर जनरेट करने का एक फंक्शन है। इसमें अगर के की वैल्यू 0 है मतलब पावर 0 है तो केवल रियल पार्ट में 1 आएगा, इमेजिनरी पार्ट में 0 होगा। आंसर को रिटर्न कर देते हैं। अगर के की वैल्यू 1 होगी तो हम रिटर्न कर देते हैं सिंपली सी को, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। इसके बाद ये हमारा आंसर जनरेट करने के लिए हमने पावर के बाई 2 जनरेट किया है। पावर के बाई 2 को पावर के बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा आंसर होना चाहिए अगर के इवन है। अगर के ऑड है तो उस केस में जो आंसर हमने पावर फाइंड किया है उसमें एक सी को और मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फाइनली आंसर को रिटर्न कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन में ये वाला फंक्शन गिवन था, इस वाले फंक्शन में ए बी के और एम गिवन था और ये सारी वैल्यूज इंटीजर गिवन थी। अगर जब आप इसको फ्रेश ओपन करेंगे तो ये इंटीजर गिवन होगा, लेकिन ये इंटीजर के साथ डील ही नहीं कर पाएगा, इतने बड़े नंबर्स हैं जिनका हमें पावर कंप्यूट करना है, तो इसलिए हमने इन सभी को लॉन्ग लॉन्ग बना लिया है और आंसर भी हम लॉन्ग लॉन्ग में ही रिटर्न करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स मान लिए, एक इनपुट वेक्टर
और एक सॉरी एक इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर, एक आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने आंसर को रिटर्न करना है वेक्टर के फॉर्म में, जिसमें कि रियल पार्ट एक होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जो इनपुट वेक्टर हमें गिवन है, उस या इनपुट वेक्टर जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, उसमें हमने सॉरी इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ए और बी जो है उससे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का, और पावर फंक्शन में इस इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर को पास कर दिया अलोंग विथ के एन एम। तो ये पावर जनरेट करके हमें आउटपुट में या आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर दे देगा। अब इस आउटपुट में दो चीजें होंगी, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट को हम आंसर वेक्टर में पुश बैक करा लेते हैं, देन इमेजिनरी पार्ट को भी हम आंसर वेक्टर में पुश बैक करा लेते हैं, और फाइनली हम इसको रिटर्न कर देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें मेन में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ए बी ए और एम जिनकी वैल्यू हमारी इंटीजर्स हैं यहाँ पे, उनको हमने लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर लिया है। साथ ही साथ वेक्टर ऑफ इंटीजर यहाँ पे गिवन था रिजल्ट के केस में, तो रिजल्ट वाले वेक्टर को भी हमने लॉन्ग लॉन्ग बना लिया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको रन करते हैं। फाइन, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं यहाँ पे, जो इनपुट के या सैम्पल टेस्ट केसेस थे, और बाकी के टेस्ट केसेस भी ब्यूटीफुली यहाँ पे पास हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हमने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है। सो इस क्वेश्चन का नाम है रशियन पीजेंट एक्सपोनेंशिएशन। ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के बेस पे एक क्वेश्चन है, और बाइनरी एंड मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। दिस विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस इन दी मैथमेटिक्स सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।